गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में आ चुका है और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। बेसिकली मैं इसके दो मेथड डिस्कस करूंगा और जो सा मेथड आपको पसंद हो तो आप उसी को फॉलो करें और उसी की बेस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट मेथड में इसको अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम इसको सिंपल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई भी कर लूँ और 2 डिवाइड भी करूँ इस अंडर रूट आयोटा में, अंडर रूट आयोटा इस तरह से है मेरे पास और मैंने 2 मल्टीप्लाई भी किया और 2 डिवाइड भी कर लिया। अब इसको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मैं इसमें एडिंग एडिंग +1 एंड -1, मैं खुद से इसमें +1 भी ऐड करता हूँ और -1 भी ऐड कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसको इसी तरह से फॉलो करूँगा। अब -1 है तो इसको मैं +(-1) लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लिख लूँगा। और आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो मेरे पास -1 के बराबर होता है, तो मैं -1 की जगह यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पुट कर दूँगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि इसको 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 की कोई भी पावर लें तो उतनी वैल्यू आती है, 1 ही आती है। तो इसलिए मेरे पास जो है ये बस ये फार्मूला बन जाएगा a² + 2ab + b², मतलब ये कि अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं यहाँ पर तो ये मेरे पास होता है a² + 2ab + b² वो के जो कि मेरे बराबर होता है a + b² का। तो a² + 2ab + b² जो है ये a + b² के बराबर होगा। तो मैं इसको इस तरह फार्मूले में बंद करके लिख लूँगा, यानी कि 1 + iota² आ जाएगा ÷2। अब मैं अंडर रूट जो है ये स्क्वेयर जो है ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो अंडर रूट है ये 2 पर आ जाएगा एंड देन जो है ये ऊपर कैंसिल होने के बाद 1 + iota आ जाएगा एंड और जो इसके नीचे जो है ये √2 जो है मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर -iota आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें सिंपल यही करना होगा कि 2 मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइड करें और उसी तरह 1 प्लस भी करें और 1 माइनस भी करेंगे। जब आप 1 प्लस और माइनस कर लेंगे तो ऊपर जिस तरह हमने किया था कि प्लस माइनस इसको हम लिख लेंगे और -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और इसी तरह आपके पास 1 - 2 आयोटा + आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आप बंद कर लें, ये आप इसको इस तरह से लिख लें 1 का स्क्वायर - 2 आयोटा + b² आप लिख लेंगे और a² - 2ab + b² जो है वो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ये मेरे बराबर होगा a - b² तो आपने इसको देखना होगा कि ये यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन रहा है a² - 2ab + b², तो आपके पास ये आएगा 1 - iota² जो कि फार्मूला आपने बंद कर दिया ÷2। तो जिस वक्त आप इसका सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 - iota ÷√2। तो ये इसका जो है ये इसका आंसर आ गया और ये आपके पास जो है ये प्लस वाले के लिए ये आंसर आ रहा है और माइनस वाले के लिए आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मेथड 1। अपने मेथड नंबर 2 को देखूँ तो इसमें मैं डिमॉविस थ्योरम यूज़ करूँगा। डिमॉविस थ्योरम आपने ग्रेड 11 की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स में। तो उसमें आपको पता है कि आपके पास cos θ + iota sin θ होल पावर n की फॉर्म होती है और इसी n की पावर को आप इसकी एंगल के साथ ले सकते हैं। इस तरह से मतलब ये कि आपने n को इसके एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर के चलें मैं इसके इक्वेशन की तरफ अब जाता हूँ तो √iota जो है वो मेरे पास इसको मैं iota^(1/2) लिख सकता हूँ और इसको लिखने के बाद मैं इसको एज अ होल यानी कि 0 + 1 iota भी लिख सकता हूँ। ये मेरे चॉइस के ऊपर है कि मैं इसको 0 + 1 iota / 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब आपको इसको इस जो फैक्टर है इसको आपने बिल्कुल डिमॉविस थ्योरम की तर्ज पे सेट करना है और आपने आपको पता है कि जो 0 है वो cos 90 के बराबर होता है। cos 90 की वैल्यू जब भी आप लेते हैं तो वो 0 के बराबर आएगी और sin 90 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आएगी। तो आपने इसी तरह 0 की जगह आपने cos 90 पुट करना है और 1 की जगह आपने
साइन 90 की वैल्यू को पुट करना है। आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया, जीरो की जगह ये वैल्यू जीरो की जगह आ गई और ये वैल्यू वन की जगह आ गई। अब यहाँ पर जिस वक्त डिमॉविस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो वन बाई टू इसकी इस एंगल के साथ भी डिवाइड में आ जाएगा, इसके साथ भी डिवाइड, मतलब ये कि टू जो है इसके नीचे आ जाएगा और ये 90 के नीचे आ जाएगा। मतलब ये कि 90 मल्टीप्लाई वन बाई टू आप करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह से आ जाएंगे। मतलब ये कि कॉस 90 डिवाइड बाई टू मैंने ले लिया और साइन 90 डिवाइड बाई टू ले लिया, और उसके बाद जो है ये कैंसलेशन के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 45 आ जाएगी। एंड जो है इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 45 जो है वो आपके पास 1 डिवाइड बाई अंडर रूट टू और आयोटा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट टू इस तरह से आ जाएगा। आप इनकी वैल्यूज को 1 बाई अंडर रूट टू को कॉमन कर लोगे, कॉमन कर लिया आपने तो आपके पास ये जो है 1 प्लस आयोटा, और आपने ये करना है कि इक्वल इसको डिवाइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई अंडर रूट टू जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जो कि आपको मैंने पहले पिछले मेथड से भी निकाल के दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ आ गए होंगे। अब एग्ज़ाम में आपकी चॉइस, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा आप मेथड नंबर 1 की तरफ जाएं, और अगर कि आपको आपका डिमॉविस थ्योरम पर जो कमांड है वो स्ट्रॉन्ग है तो यू हैव टू फॉलो सेकंड मेथड। आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई है और वीडियो पसंद भी आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले वक्तों में नई वीडियो की अपडेट्स उसके ज़रिए ही मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।